हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर माय यूनिवर्सिटी। और आज हम बात करेंगे उन ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स के बारे में जो कि यूक्रेन से आए हुए हैं और वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी भी रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि रशिया में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। मैं दूसरी जगह की बात नहीं करूँगा इस वीडियो पर, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी ट्रांसफ़र फॉर अदर कंट्रीज़ एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी ट्रांसफ़र फॉर अदर कंट्रीज़, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। आप जॉर्जिया चूज़ करते हैं, किर्गिस्तान चूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। सो आई डोंट रिकमेंड दिस कंट्रीज़। अभी हम बात करेंगे रशिया के उन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि वहाँ की डिग्री वैलिड है कि नहीं है। ये सबसे पहले सभी का क्वेश्चन आ रहा है कि डिग्री वहाँ की वैलिड होगी या नहीं, लाइक अभी सैंक्शन लगे हुए हैं। तो गाइस, टू बी वेरी क्लियर, ऑलरेडी ECFMG ने ये चीज़ क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी सैंक्शन की वजह से, वहाँ के रशियन पासपोर्ट होल्डर्स को, वहाँ के सिटीजन्स को आने वाली है। आप फॉरेन नेशनल्स हैं, बहुत सारे बच्चे रशिया पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि US से हैं, EU से हैं, जो कि रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं। सो अगर हर किसी को सैंक्शन लगा देंगे तो उनकी कंट्री में भी उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। सो इस तरीके से कोई भी चीज़ें नहीं होने वाली। जो भी आपको लोग बोल रहे हैं कि सैंक्शन की वजह से वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो डिग्री है वो वैलिड होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वहाँ पर अमाउंट को लेकर बहुत सारी बातें हो रही कि वहाँ पर किस तरीके से अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, कौन कौन से बैंक वहाँ पर काम करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है जो आप इंडिया से कैरी करते हैं, वो आपके काम नहीं करने पर वो आपके काम नहीं करेंगे। आप जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको नया बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता है। आइदर इट कैन बी इन उरालसिब बैंक और इन गैज़प्रोम बैंक। ये दो बैंक्स हैं जहाँ पर आप इजीली ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। सेंक्शन के बाद भी वो चीज़ लाइक वो स्विफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पैसे को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा हमारे पास और भी अल्टरनेटिव है कि आपको विद इन 5 to 10 minutes आपको वहाँ पर पैसे मिल जाते हैं, जो भी आप यहाँ पर इंडिया में अमाउंट आप लाइक चाहते हैं वहाँ पर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफ़र जो बच्चे हैं कौन कौन से ईयर में वैलिड है। सो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ ईयर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से हमने बात किया और सभी में एक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो आपके यूक्रेनियन करिकुलम है और रशियन के करिकुलम है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। सो जो राजनीति आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, बट थोड़ा डिफिकल्टीज है हमें फिफ्थ ईयर में एडमिशन लेने के लिए। सो बी केयरफुल। अगर कोई नई यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम आपका फिफ्थ ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, सो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अभी तक हमें भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में क्लियर नहीं हुआ है कि फिफ्थ ईयर में हमें एडमिशन लेना है या नहीं। सो आई डोंट रिकमेंड एनी स्टूडेंट्स टू टेक ट्रांसफ़र इन फिफ्थ ईयर। अपार्ट ऑफ दैट, सिक्स ईयर के जो बच्चे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए क्लियर कट सजेशन है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन की पढ़ाई करें, क्योंकि एट द एंड आपको लाइक 2 years की इंटर्नशिप करनी ही करनी है। क्योंकि अभी हम किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में बात करेंगे तो वो आपको एक ही चीज़ बोलेगी कि आपको 18 months की पढ़ाई करना ज़रूरी है एक यूनिवर्सिटी में फॉर ग्रेजुएशन। तो आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस टाइम पे लाइक किसी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर जाएं और आप अपना जो इंटर्नशिप का जो 1 साल आप बचाना चाह रहे हैं वो बचा लें। तो उसके लिए आप अभी ऑनलाइन कंटिन्यू करिए, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे किसी सितंबर के अलावा जनवरी सेशन वाले, उनको 6 महीना रिपीट करना पड़ेगा, लाइक 6 महीना बैक आके पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा अगर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर उनका क्लियर हो गया, बट उनको फर्स्ट सेमेस्टर फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि जनवरी सेशन वाले हैं। तो जनवरी सेशन जैसा कोई भी चीज़ नहीं है रशिया में, तो आप किसी के भी बहकावे में ना आए कि वो आपको इस तरीके से एडमिशन दिला देंगे ताकि आपका जनवरी का सेशन भी बच जाए। आपको होगा कि यहाँ से ले जाया जाएगा, वहाँ पर 6 महीने का लाइक लैंग्वेज कोर्स पदफाक होगा। पदफाक होने के बाद आपको फिर से लाइक उसी कंटिन्यूशन में आप डाल दिया जाएगा, तो आपको 6 महीना क्या, 1 साल आपका बर्बाद हो गया। सो इट्स बेटर नॉट टू टेक सच रिस्क। सितंबर से आप एडमिशन लें और सितंबर से जो भी बैक होगा वो आप कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है फिफ्थ ईयर के बारे में हमने बात कर ली। उसके अलावा मेन है जो बच्चे, कौन कौन से बच्चे वहाँ पर वैलिड हैं, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि
वहाँ पर जब हम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं ताकि बच्चे सेफ रहें, क्योंकि हम लाइक वी आर नॉट डूइंग एडमिशन फॉर, अगर आपने किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी का नाम लिया, हमने कहा हाँ हाँ हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास वैसे कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमारे पास खुद की यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट वी कैन प्रोवाइड यू फॉर द ट्रांसफ़र केसेस, और एल्स वी आर नॉट डूइंग एनी अदर कॉलेजेस, टू बी वेरी क्लियर। सो वहाँ पर एक हमें लाइक सजेशंस मिली हुई है कि कोई भी बच्चा जो कि 24th February के बाद यहाँ पर आया हुआ, 24th February के पहले आया हुआ है, लाइक 5-6 दिन पहले या हफ्ते भर पहले, उनके वो एडमिशन्स नहीं ले सकते, जस्ट बिकॉज वो क्योंकि वो यूक्रेनियन वॉर वाले जो सिचुएशन था, जो मिलिट्री ऑपरेशन था, उस सिचुएशन में वो उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, वो पहले यहाँ पर इंडिया में आके बैठे हैं फॉर अदर कॉज। तो ये सारी चीज़ें भी सोचने वाली बात है। अगर आप रशिया में ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो ये भी एक फैक्टर है, जो कि ऑलरेडी रेक्टर्स को ये चीज़ मिनिस्ट्री से आ चुका है कि आपको इस तरीके से इस कंडीशन में ही आपको आवर ट्रांसफ़र केसेस एक्सेप्ट करने हैं। सो जो भी बच्चे अगर सोच रहे हैं कि ईजिली किसी भी नई यूनिवर्सिटी में, जो अभी दो चार महीने पहले ही लोग प्रमोट करना चालू किए हैं, और उस यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन करा देंगे काफ़ी ईजिली, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। कोई बोल रहा है कि फिफ्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन करा देंगे, कैसे करा दोगे फिफ्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर में? या फिफ्थ ईयर में बच्चे नहीं ले पा रहे हैं एडमिशन, तो आप कहाँ फिफ्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन कराने की बात करें? 42 क्रेडिट्स के लाइक डिफरेंसेस हैं, वो कैसे क्लियर होंगे? उसके लिए एक साल अलग चाहिए बच्चों को। सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू गेट एडमिशन इन फिफ्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर। फिफ्थ ईयर हो सकता है कि आई थिंक कुछ करके वो रिजॉल्व कर ले, बट फिफ्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर इट इज़ इम्पॉसिबल, एंड डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। क्योंकि अभी इस जगह पे लाइक जो लोग कजाकिस्तान में कभी काम किया करते थे, कभी किर्गिस्तान में काम किया करते, आज वो भी रशिया का प्रमोशन कर रहे हैं, जो जिनके पासपोर्ट में कभी रशिया का वीज़ा भी नहीं होगा, जिन्होंने कभी रशिया के रूल्स नहीं पढ़े, जो कभी रशिया गए ही नहीं, वो लोग भी आपको रशिया के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने लगेंगे आज के डेट में। तो जस्ट बी केयरफुल, कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको अपने हिसाब से सोचनी पड़ेगी। आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, आपका टाइम है, उनका कुछ नहीं जाने वाला, आपको बस यहाँ से ले जाएंगे, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस फॉर ट्रांसफ़र। सो मैनी स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी लाइक एज आई सेड बिफोर, आई कैन डू द फ्री ट्रांसफ़र, बट द स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी फॉर समारा, आई कैन डू फ्री ट्रांसफ़र फॉर समारा बिकॉज वी हैव टू पे देयर फॉर द translation and the other documentation process, so we are going to take the charges for the Samara also. Rest I can do it for free, no problem, because we don't need to pay anything to them. Okay, so agar kisi jagah pe hame pay karne ki zarurat nahi hai, so I will not take any charges, but if you are coming for Samara then you have to pay. So to be very clear, this is the situation, you have to accept this. And for the students who are in sixth year, just calm down, you don't have any chance. कोई भी चीज़ें आप लाइक बार बार एक ही चीज़ पूछेंगे तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। You have to stay there, you have to do online classes, और उसके बाद ही आप यहाँ पर आके अपनी क्लिनिकल रोटेशन जो आपका रहेगा वो 2 साल का इंटर्नशिप करेंगे। दैट्स द मेन ऑप्शन वी हैव। उसके अलावा अगर कोई भी आपको दूसरी क्वेरीज है, जस्ट कॉल अस ऑन 9999336778 और 9292006001। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।